हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूप। उसके लिए मैं ली हूँ पत्ता गोभी, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, पीस और फुल गोभी और बीन्स। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी। तेल गर्म होते ही उसमें मैं डालूँगी सब्जियाँ, उसको अच्छे से फ्राई करूँगी। लगभग एक मिनट तक फ्राई करने के बाद इसमें मैं डालूंगी पानी और इसको बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी लगभग 5 मिनट के लिए। इसको कवर कर दें ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। अब एक कटोरी लें, उसमें आप कॉर्नफ्लावर ऐड करें। लगभग 3 से 4 चम्मच, जितना गाढ़ा आपको सूप चाहिए उतना कॉर्नफ्लावर आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको तब तक स्टिर करेंगे जब तक इसके लम्स प्लेन ना हो जाए। लगभग 5 मिनट के बाद इस पर हम नमक ऐड करेंगे, थोड़ा लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर, हल्का सा हल्दी और उसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इस पे हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर वाटर जो हम थोड़ी देर पहले मिक्स करके रखे थे। इसको अच्छे से मिक्स करें और कुछ देर तक पकाएं। आपको अगर वेजिटेबल क्लियर सूप चाहिए तो आप हल्दी नहीं भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटो सॉस ऐड करूंगी टैंगी टेस्ट के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आप अगर चाहें तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं, आपको जैसे सूप बनाना है आप वैसे बना सकते हैं। नॉर्मल क्लियर सूप के लिए आप हल्दी और टमाटो सॉस नहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसको कुछ देर तक ढक के पकाएं। अब आपका सूप तैयार है। इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।